हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? तो कैसे आप लोग, वेलकम बैक इन ग्रेविटी की जी पर। और न्यूटन को तलवार की धार पर रखकर बनाए गए भारतीय फिल्मों के दुखद दृश्यों का प्रदर्शन करते हुए सुखद वीडियो में। आज के वीडियो में अपन कई उड़ते हुए तीर देखने वाले हैं, कई विचित्र छेद देखने वाले हैं और किस्मत आजकल उन छेदों से भी थोड़ी ज्यादा विचित्र चल रही है, तो एक रोनाल्डो का परफेक्ट गोल भी देखने वाले हैं। तो आओ यार, दुनिया बचाने के सपने देखना बंद करो, अपने दोस्त के उधार के पैसे उसे वापस लौटाओ और शुरू करते हैं गहरे और लंबे छेद के साथ। किसी को कोई बेवजह परेशान करता है तो उसके लिए एक मुहावरा चलता है, जी में उंगली करना। सोचो कि ये वाली उंगली वही हो तो सच में भैया जी फटके चार हो जाएगी। ड्रिल मशीन का आविष्कार तो अभी थोड़े टाइम पहले हुआ है, उससे पहले लोग ऐसे छेद किया करते थे। और ये उंगली से छेद करना मुझे कोई ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं लगा, क्योंकि मिथुनदा के साथ रहते रहते अब इन चीजों की आदत हो चुकी है। मैं ये देख के चौंक गया कि पुलिस वाले अपने जेब में ठोकने के लिए आजकल किले भी रख रहे हैं। सोचो जो व्यक्ति अपनी उंगली से इतनी गहराई नाप सकता है, वो आदमी अपनी तीसरी टांग से क्या क्या कर सकता होगा इतना लंबा। तभी मिथुनदा रशिया में इतने फेमस है। तुमने अपनी अखी घिसी पीटी जिंदगी में हेलीकॉप्टर देखा होगा, ट्रैक्टर देखा होगा, लेकिन आज पहली बार मैं आपको हेली ट्रैक्टर दिखाने वाला हूँ। चिरंजीवी सर, ट्रैक्टर का काम होता है खेत की खुदाई करना, ना कि ग्रेविटी की खुदाई करना। बेचारे न्यूटन के ये देखने के बाद मुंह में आगे होंगे क्या सर? पेपड़े। और जो तुम सोच रहे हो वो भी भाई, इतनी तो स्पोर्ट्स कार ड्रिफ्ट नहीं मारती जितने रोटेशन चिरंजीवी दादा लगा रहे हैं यहाँ पे। मूवी डायरेक्टर चिरंजीवी से बोल रहा है तुम अपना पैर मारो, तुम हवा में और तुम्हारे साथ साथ ट्रैक्टर भी हवा में। फिर चिरंजीवी डायरेक्टर से पूछ रहे हैं तो इसमें ग्रेविटी कहाँ गई? और डायरेक्टर बोलेगा अरे ग्रेविटी बाद में यूट्यूबर्स अपने वीडियोस में ढूंढते रहेंगे, अपन अपना काम करते हैं। अब देखते हैं वर्ल्ड फेमस क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। बीस का ये फर्क है वैसे, और टेक्निकली देखा जाए तो रोनाल्डो ने कॉपी किया है ये, मोहन लाल जी ने बहुत पहले कर दिया था, रोनाल्डो ने तो अभी थोड़े टाइम पहले ही गोल मारा है ये वाला। हाँ ये फर्क हो सकता है कि रोनाल्डो ने ग्रेविटी को धोखा देके फुटबॉल को लाल कर दिया और मोहन लाल जी ने फुटबॉल को धोखा देके ग्रेविटी को लाल कर दिया। बहुत मारा, बाकी कोई बच्ची कुची कसर है तो वो सदी के महान नायक और तीरंदाज अमित जी पूरी कर ही देंगे। बच्चन साहब तीर वहाँ पे चला रहे हैं, लेकिन पता नहीं दर्द मेरे को यहाँ पे क्यों हो रहा है। तुम्हें पता है एक एरोप्लेन का गेट बंद करने में एयरहोस्टेस के सीने का पसीना निकल जाता है, पर नहीं, हम तो सीआईडी के दया है। दया क्या, दया का भी बाप बन रहा है जिस हिसाब से ये गेट दिख रहा है। स्पीड में चलते हुए एरोप्लेन से कोई चीज अगर बाहर लटकाई जाती है ना, तो हवा की वजह से पीछे तिरछी उड़ने लगती है, पर अमित जी तो सीधे लटके हुए हैं। यहाँ रस्सी काटने से लेकर वापस निशाना लगाने तक अमित जी ने 6 सेकंड का टाइम लगा दिया, मतलब प्लेन से रस्सी टूटने की वजह से अमित जी कितना नीचे गिर जाएंगे। आओ न्यूटन से पूछते हैं। आइए देखते हैं। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस हाइट हो जाएगी, यू इनिशियल स्पीड है जो कि जीरो है, और ए बराबर एक्सेलरेशन जो कि जी है, और टाइम 6 सेकंड है ही। तो एच बराबर 0 + 1/2 × 10 × 6^2, जी को यहाँ पे 10 रख लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो ये 2 से 10 कट गया 5 बार और 5 × 36 हो जाएगा 180। गुरुजी प्रणाम। भाई साहब 170-180 मीटर नीचे गिर गए होंगे तब तक तो अमित जी, और प्लेन की स्पीड वो और अलग है। इसका मतलब पता है क्या है, अमित जी ने अपने को चूना लगा दिया है बिना थूक लगाए। इतनी लंबी तो पॉलिटिशियन भी नहीं फेंकते जितनी लंबी यहाँ फेंकी गई है। कभी कभी सोचता हूँ इतना दिमाग किताबों में लगा लिया होता तो आज मैं भी कोई छोटा मोटा सरकारी आदमी होता, पर दिमाग लगता ही नहीं है। काम की चीजों में तो पता नहीं क्यों ये साला आरसीबी बन जाता है। इस साला का नाम दे, ख्वाब दिखाता है मादर। वैसे अपने अजय देवगन जी भी मिथुनदा के आशीर्वाद से काफी कुछ चीजें सीख चुके हैं, आओ देखते हैं। अब हमने दी सखियां तो हमने पैर मारा, हम भी हवा में उसके साथ साथ। मुझे
अच्छा है आदमी को भी पकड़ा, वरना सरकार चाहते तो हेलीकॉप्टर को भी नीचे गिरा सकते थे। संगत का असर तो होता है, ये तो मानना पड़ेगा। बेटा डायरेक्टर थोड़ा सा भी संकोच नहीं कर रहा कि अगर मैं अजय बहू को इतना ऊपर उड़ाऊंगा तो इसका समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। लोग थू-थू करेंगे। तुम यूं नहीं मानोगे। ये वो नाग है जो अपना जहर पत्थर पे छोड़े तो पत्थर भी टूट जाता है, लेकिन ये तुम्हें काटने से मर गया। तू चीज क्या है, कौन है तू? मैं एक जाबाज पुलिस हवलदार और एक खुददार माँ का बेटा हूँ। एक तो ये बॉलीवुड में माँ वाला एंगल बड़ा भयंकर है। खुददार माँ का बेटा, अबला माँ की औलाद, एक मजलूम माँ का बेटा, वर्ड भी पता नहीं किस शब्दकोश से उठा के लाते हैं। अरे भाई आराम से सीधे सीधे ही बोल लो, एक खुददार माँ का बेटा हूँ। सांप भी बेचारा ये सुन के सदमे में चला गया होगा, तभी तो मिथुन दा का बाल भी बांका नहीं कर पाया वो। वैसे मिथुन दा खुद भी किसी नाग देवता से कम तो बिल्कुल नहीं है। अब देखो बदले की आग आदमी से क्या क्या करवा देती है। इतना आसान नहीं है, अगर परशुराम मरेगा तुझे भी साथ लेकर मरेगा। तुम्हें क्या लगता है अगर मिथुन दा थोड़े से नीचे झुक के या इसको थोड़ा सा ऊपर खींच के इसका हाथ काट दे तो ये नीचे नहीं गिरता क्या? इसलिए सबर से काम लेना चाहिए आदमी को। जल्दी के चक्कर में आदमी अपने लव प्लस डे लगवा लेता है। अब बदला तो ले लिया लेकिन हिलाने के टोटे पड़ जाएंगे। वैसे लव प्लस डे से याद है अपने चैनल के भी आजकल एल लगे पड़े हैं। लाइक वाइक करो यार, सब्सक्राइब करवाओ। बाकी मिलते हैं अगले दृश्य सर्वे चलचित्र माध्यम में। बहुत बहुत धन्यवाद।